दोस्तों, मृत्यु को परम सत्य कहा जाता है, लेकिन मृत्यु से जुड़े कई सवाल ऐसे हैं जिनका सत्य कभी भी कोई नहीं जान पाया। इन सवालों में जो सवाल शामिल हैं, वो यह है कि मृत्यु के कितने दिन बाद तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है, क्या आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करने में समय लगता है, क्या इच्छाएं अधूरी रहने पर वह पृथ्वी पर भटकती रहती है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह बात आपको बता दें कि इन सवालों के बिल्कुल सटीक जवाब केवल भगवान के पास ही हैं। दोस्तों, हमें जो ज्ञान हमारे पवित्र धार्मिक ग्रंथ देते हैं, उन्हीं ग्रंथों के अनुसार हम आपको इन सवालों के जवाब बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपनिषद के अनुसार जिसे मनुष्य मृत्यु कहते हैं, वो मात्र शरीर का अंत होता है। उस शरीर का अंत जो कि पांच तत्व यानी पंच महाभूत से मिलकर बना होता है, जिनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश शामिल हैं। उपनिषद में यह भी लिखा है कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा की शरण में चली जाती है, और वो आत्मा जो निष्पाप होती है वह ईश्वर की शरण में रहती है। वहीं दूसरी ओर वो आत्माएं जिन्होंने अपनी जिंदगी में घोर पाप किए होते हैं, अपने कर्मों को भोगने के लिए नए जन्म लेते हैं और अपने द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार जीव जंतुओं के रूप में पृथ्वी पर अपने कर्म भोगने के लिए आ जाते हैं। दोस्तों, वहीं उपनिषद में एक ऐसी दुनिया का भी जिक्र किया गया है जहां पर आत्माओं को संरक्षित रखा जाता है। ये महज मान्यता है या फिर सत्य, इसका पुख्ता सबूत तो कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता की। अपने उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्मा अमर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, उसका अंत कभी नहीं होता। शरीर आत्मा के लिए उसके वस्त्र समान है और आत्मा समय समय पर अपने वस्त्रों को बदलती रहती है। दोस्तों, यहाँ हमने आपको उपनिषद और गीता के बारे में बताया। अब बात करते हैं गरुण पुराण की। आप सभी को बता दें कि इस पुराण में उल्लेख किया गया है कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या व्यवहार होता है, वह उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है या फिर त्यागती है, तो यम के दूत उसे लेने आते हैं और यहाँ यमदूत उसके कर्मों के अनुसार उसे सजा देते हैं। उस दौरान 24 घंटों के बीच आत्मा उन यमदूतों के बीच रहती है। इन 24 घंटों के अंदर यमदूत उस आत्मा को उसके कर्मों का विवरण देते हैं। उस आत्मा को 13 दिन तक उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने अपने शरीर को त्यागा था। 13 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है और फिर तमाम अंतिम रस्में पूरी हो जाने के बाद वो यमलोक वापस चली जाती है। अब आप सभी ये सोच रहे होंगे कि यमलोक पहुंचकर उस आत्मा क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गरुण पुराण में लिखा गया है कि आत्मा को यमलोक पहुंचकर 3 अलग मार्ग मिलते हैं, जिसमें अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति यानी विनाश मार्ग शामिल हैं। अर्ची मार्ग वो मार्ग है जो ब्रह्मलोक की ओर ले जाता है, धूम मार्ग वो मार्ग है जो पितृलोक की ओर ले जाता है, और उत्पत्ति यानी विनाश मार्ग वो मार्ग है जो आत्मा को नर्क की ओर ले जाता है। गरुण पुराण और शिव पुराण में उन संकेतों के बारे में भी लिखा गया है जो मृत्यु से पहले किसी भी मनुष्य को ईश्वर द्वारा मिलते हैं। अगर आप सभी इन संकेतों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगली आने वाली वीडियो में इन सभी बातों के जवाब बताए जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।